स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में आपको राष्ट्रपति पुतिन दिख रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ दिख रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन और अजरबैजान के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है और पुतिन के जाते ही अजरबैजान ने ब्रिक्स को लेकर कौन सा ऐलान किया है जो भारत के लिए एक टेंशन वाली बात हो सकती है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना ने अरबों डॉलर झोंक दिया है। आखिरकार ऐसा क्या हासिल करना चाहता है? रिकॉर्ड तोड़ अप्रूवल दिया है $31 बिलियन का। जानेंगे क्या चल रहा है और क्या भारत भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। इसी बीच 2023 में अमेरिका ने कुछ ऐसा किया था जिसको जानकर आपको हैरानी होगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो समय के साथ नहीं चलता है वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और जो समय के साथ नहीं बदलता है वो भी। ऐसा ही कुछ इस वक्त दुनिया में सीन है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल को देखकर आप चौंक जाएंगे। भारत की जब बात आती है कि भारत तेल खरीदता है तो यूक्रेन कुछ से कुछ बातें कहना शुरू कर देता है कि भारत के हाथ इससे रंगे हुए हैं, उससे रंगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रतिबंधों के बीच में अमेरिका ने रिकॉर्ड अमाउंट में रूस से यूरेनियम खरीदा था 2023 में। ये कहा जा रहा है, एक ऑफिशियल डेटा है जिस डेटा के आधार पर कहा गया कि रूसी यूरेनियम को खरीदने के लिए अमेरिका ने $1.2 बिलियन लगाया था। अब जरा सोचिए, यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर US कांग्रेस में किस तरीके से प्रतिबंध चलते हैं, लेकिन यहाँ तो देखने को कुछ और ही मिल रहा है। लेकिन कारण क्या है? कारण है बहुत बड़ा। कारण ये है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना के पास कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं? चाइना ने ना शुरुआती दौर में जैसे जैसे अमेरिका करता था वैसे वैसे उन्होंने किया। पहले वो कॉपी कर, लेकिन कॉपी करते करते ये अमेरिका से आगे निकल गए। अमेरिका से इतना आगे निकल गए कि कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में अमेरिका टॉप का देश हुआ करता था, मैन्युफैक्चरिंग का हब हुआ करता था। लेकिन अब कौन हब हो गया? अब हो गया चाइना हब। ऐसे ही कई सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर्स कभी अमेरिका के हुआ करते थे उन सेक्टर्स पर चाइना ने कब्जा कर लिया। शुरुआती दौर में ये देखा करते थे कि कैसे कैसे अमेरिका काम कर रहा है, नकल करते थे, और फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ गए। स्क्रीन पर इस मैप में देखिए, इस मैप में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको दिख रहे हैं। जितने लाल बिंदे दिख रहे हैं सारे न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशनल हैं, और जितने पीले पीले दिख रहे हैं ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और इसके बावजूद चाइना ने क्या किया है, स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, $31 बिलियन का अप्रूवल दिया है और कहा है कि जितनी रफ्तार में बना सकते हो रिएक्टर्स को बनाओ। अब रफ्तार में बनाने का मतलब क्या है, कि अगले दिन बन के तैयार हो जाएगा? ऐसा नहीं है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर को चाइना अगर अप्रूवल देता है तो उसके बनने में कम से कम 7 साल लगते हैं। तो यहाँ पर 7 साल में एक साथ उनके पास कई सारे रिएक्टर्स हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? पहले भी अगर आप लिस्ट उठाकर देखेंगे तो भले इस वक्त न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन अमेरिका ज्यादा करता हो, पर चाइना ने नंबर्स में अब पीछे छोड़ दिया है न्यूक्लियर रिएक्टर के मामले में। अमेरिका के वर्चस्व को धीरे धीरे अपने हाथ में लेता हुआ दिख रहा है। कारण सबसे बड़ी चीज है, कोयला की, पेट्रोल की आपूर्ति हमेशा नहीं होने वाली है, और इसके लिए अब उपाय भी लगाना है। साथ ही साथ दुनिया अब जीरो कार्बन पर जाने का मतलब है कि एक समय में ये तेल, कोयला, ये सब कुछ बेकार हो जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तब क्या होगा? तब ये न्यूक्लियर रिएक्टर ही काम आएंगे और इसी पर आधारित पूरा का पूरा उद्योग होगा। चाइना इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहा है, इसलिए चाइना ने इस पर तैयारियां शुरू कर दी है। अमेरिका को भी अब याद आ रहा है तो अमेरिका भी इस दिशा में तैयारी कर रहा है। और भारत ने भी 10,000 करोड़ का यूरेनियम मंगाया है, क्योंकि भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, टाटा स्टील ये भी अब इस झंझट से मुक्ति लेना चाहती है कि कोयला वाले फर्नेस को लेकर बड़ा बवाल मचता है। जीरो कार्बन का बहुत ज्यादा बवाल होता है, तो अब ये भी छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, जिससे इनकी स्टील की कंपनी जो है को ग्रीन हो जाए, यानी कि आराम से इनमें 0% कार्बन वाली जो टैग है वो लग जाए
और प्रतिबंधों का सामना ना करना पड़े, ये आगे फले फूले। माना जा रहा है 200 ऐसे रिएक्टर बनाने की तैयारी टाटा इंडस्ट्री कर रही है। अब अगर ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कई सारे प्राइवेट फर्म्स हैं जो अपना तैयारी खुद से करना शुरू कर देंगे। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें हैं जो चौंकाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, इस वीडियो में आपको कार चलाते हुए राष्ट्रपति पुतिन मिलेंगे और साथ में कौन बैठा है, साथ में बैठे हैं अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव। और ये ठीक वैसी ही मुलाकात है जैसे कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी मिले थे। हालांकि दोनों की दोस्ती में थोड़ा सा अंतर है, गले मिलने का तरीका साफ साफ दिखता है पीएम मोदी के साथ इनका बहुत ही घनिष्ठ है। लेकिन अजरबैजान क्यों पहुंचे हैं राष्ट्रपति पुतिन? स्वागत तो बहुत बढ़िया से किया गया है, एकदम दोस्ती वगैरह बहुत अच्छे से दिखलाई गई है। राष्ट्रपति पुतिन यहां पहुंचे, 7 एग्रीमेंट कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। ये एग्रीमेंट खास तौर पर व्यापार को लेकर है, सहयोग को लेकर है, फूड सिक्योरिटी को लेकर है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन वहां से चले आए। वहां से आने के बाद यहां अजरबैजान ने एक बड़ा ऐलान किया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि अजरबैजान ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है और इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दाखिल कर दिया है। जाहिर तौर पर ब्रिक्स को लेकर चर्चा हुई होगी, राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात को कहा होगा कि आप एप्लीकेशन दायर कीजिए, फिर देखा जाएगा जैसा होगा। और यहाँ पर अजरबैजान ने एप्लीकेशन डाल दी। अब अजरबैजान के साथ राष्ट्रपति पुतिन इतना घुल मिल क्यों रहे हैं? सबसे पहली बात, पहले अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे राष्ट्रपति पुतिन और रूस भी, लेकिन अर्मेनिया ने सीधे सीधे कह दिया है कि आप और आपका देश हमारे देश में वेलकम नहीं है, आपने CSTO के तहत हमारी रक्षा नहीं की, आपने अजरबैजान का पक्ष लिया। और माना जा रहा है कि अर्मेनिया धीरे धीरे थोड़ा अमेरिका के तरफ भी होता जा रहा है, तो रूस को अब पूरी छूट मिल गई है। राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर अजरबैजान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं ताकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी यहाँ पर आगे बात बने और इसके तहत व्यापार को फैलाया जा सके। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि ये अपने व्यापार को फैलाकर अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना चाहते हैं, इसी वजह से ये जा रहे हैं। भारत के लिए संकट क्या है? पाकिस्तान भी अप्लाई कर रहा है ब्रिक्स के लिए। पाकिस्तान को तो चलो भारत रोक देगा, लेकिन कितने सारे देशों को रोकेगा? अजरबैजान और पाकिस्तान एक ही खेमे के माने जाते हैं, अजरबैजान, चाइना, तुर्की एक ही खेमे के माने जाते हैं। यहाँ पर अगर अजरबैजान की एंट्री होती है तो भारत के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है कि चाइना के साथ में अजरबैजान गुटबंदी कर सकता है भारत के खिलाफ। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।